प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज गांव अहरोद में पहुंचकर बाबा भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना की और महंत नटवर लाल पुजारी से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गांव के सरपंच चेतन अहरोद, भाजपा मंडल अनुसूचित मोर्चा के प्रधान बालकृष्ण कोलाना, राधा ढाणी के सरपंच संजय सिंह, मास्टर लक्ष्मण सिंह अहरोद, बीडी यादव, पूर्व हेडमास्टर जितेंद्र शर्मा, मदनलाल जोशी, पूर्व सरपंच भीम सिंह, पंकज शर्मा, देवेंद्र जोशी, प्रवक्ता ओमपाल आदि ने सहकारिता मंत्री का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। महंत नटवरलाल पुजारी ने सहकारिता मंत्री की पूजा अर्चना करवाई और शुभ आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सहकारिता मंत्री भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि भारत देश प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यहाँ 36 करोड़ देवी देवताओं ने जन्म लिया है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य की आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस देश में बड़े बड़े संत महात्माओं ने जन्म लेकर जन कल्याण का कार्य किया है और समाज को एक नया संदेश दिया है। रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गोयल। ये मेरे छोटे भाई है मनोज कुमार गोयल। सुरेश जी, आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल नहीं भाई, साल में कम से कम 5-4 बार आने की चेष्टा करते हैं। पहले दिल्ली था तो हर महीने आता था नवमी पे, लेकिन अब जरा दूर हो जाता है, इसलिए साल में 3-4-5 बार जब माता रानी बुला ले तब आ जाते हैं। आप यहाँ आते हैं, प्रसाद वितरित करते हैं, भंडारा करते हैं, लोगों की आस्था है, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी आपने करवाया, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे पूर्वजों ने बोला बस यहाँ पर मंदिर बनवाओ और बस हमने यहाँ पर काम चालू कर दिया। हमारे पूर्वजों की जमीन थी, सारी ज़मीनें बेच के और सब इस मंदिर में हमने घर में 1 रुपया भी दिया। सर, आपने जो ज़मीन बेच के मंदिर में यहाँ लगाए हैं, तो दिमाग में क्या धारणा थी कि भाई इस पैसे को हम घर में क्यों यूज नहीं करेंगे? वहाँ का मंदिर बन गया, इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात है, इससे ज़्यादा बड़ी बात और हो नहीं सकती। यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? यही अपील करो कि यहाँ माथा टेको, हर मनोकामना पूर्ण होगी। माँ एकदम सच्चा दरबार है, एकदम साक्षात बैठी हुई है माता रानी, बाबा भैरवनाथ, काली मैया, हनुमान जी, सब साक्षात बैठे हुए हैं। जिस दिन निर्माण हुआ था उस दिन आकाश से फूल की वर्षा हुई थी, इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण है यहाँ का। थैंक यू।